देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं दुबेस्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के पर्यवेक्षक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बरेली एवं क्षेत्राधिकारी बहेड़ी के निर्देशन में कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सेरगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बरेली एवं क्षेत्राधिकारी बहेड़ी के कुशल निर्देशन में कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सेरगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान तीन युवक कामिल शेख थाना सेरगढ़ जिला बरेली के कब्जे में एक अतमचा 12 बोर नाजायज नाल में से एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, 12 बोर दूसरा अपराधी अली रजा खान थाना सीसगढ़ जिला बरेली के कब्जे में से एक अदद 315 बोर नाजायज तमंचा व कारतूस 315 बोर तीसरा अपराधी बाबू खान सीसगढ़ जिला बरेली के कब्जे से एक अदद एक नाल बंदूक नाजायज में दो अदद कारतूस 12 बोर तथा लूटे हुए चार मोबाइल फोन के साथ ग्राम बैरम नगर गोटिया रोड पर बंद सुधा मुर्गी फार्म से गिरफ्तार किया गया। कामिल के खिलाफ अन्य थानों पर लगभग एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जो थाना सीसगढ़ जिला बरेली का हिस्ट्री सीटर है। युवकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में श्री घनश्याम सिंह एसआई विकास कुमार, कांस्टेबल सोहेल अहमद, कुमारपाल सिंह, शुभम राणा, प्रभास कुमार, मोहम्मद बहादुर शाह जफर शामिल रहे। आप देख रहे हैं सेरगढ़ से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? कहाँ के? रामपुर के। रामपुर के, क्या घटना हुई थी? ये मक्खी पे मक्खी रखी संपूर्ण हमारी। जी, और हम लोग करीब दिन में काम करके शहद निकाल के थके हुए थे, सो रहे थे। और करीब 1:30 बजे का टाइम था, टेंट में सो रहे थे, टेंट होता है तब्बू टाइम में। तो उसमें ये लोग एकदम अचानक आए और आते हाथते ही इन्होंने जो है एकदम गेट खोल के टेंट का और उसमें घुस गया। घुसने के बाद उन्होंने जो हम लोगों को कवर और हमसे बोले कि लाओ पैसे, लाओ कहाँ हैं पैसे। वो पैसे हमारे पास थे नहीं, हमारे पास मोबाइल थे, मोबाइल हमको छीन लिया। मारपीट हुई आपके साथ? नहीं सकते। कोई औजार था उन पे इस समय? हाँ, औजार था उनके पास। जो ये खुलासा हुआ है, क्या मामला है इससे? कल उच्च अधिकारियों के आदेश के क्रम में सेरगढ़ एसओ और उसकी टीम के द्वारा रात्रि चेकिंग की जा रही थी। उस चेकिंग के दौरान बैरम नगर गोटिया रोड पर जो बंद मुर्गी फार्म था, उसके पास से 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनकी तलाशी से दो अदद तमंचे तथा एक 12 बोर की बंदूक उनके तलाशी से मिली। जब उनसे गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा थाना सेरगढ़ के ग्राम रामपुरा और ग्राम सलपुरा में 1 दिसंबर की रात्रि में दो अलग अलग लूट की घटनाओं के बाद स्वीकारी की गई और उस लूट की घटनाओं में जो मोबाइल उनके द्वारा लूटे गए थे वो मोबाइल भी उनकी निशादेही से उनके पास से बरामद किए गए हैं। इस तरह से तीनों अभियुक्तों जो लूट की घटनाओं को कबूल करते हुए और उनसे जो लूटी गई संपत्ति थी, लूटी गई जो मोबाइल आदि थे उनको कब्जे में लिया। कितने मोबाइल से बरामद हुए सर? टोटल 4 मोबाइल उनसे बरामद किए गए हैं। जब उनको थाने ला करके पूछा गया तो उनके द्वारा थाना भोजीपुरा में एक नकबजनी की घटना को भी स्वीकार किया गया। इस तरह से तीनों अभियुक्त को जब पता किया गया अन्य थानों से तो इनमें नामजद अभियुक्त कामिल शेख सनौ भूरा शेख निवासी ग्राम धनपुरा धर्मपुरा जो थाना शीसगढ़ का हिस्ट्री सीटर भी है और अन्य दो अभियुक्त अली रजा और बाबू खां ये भी उसी गाँव के रहने वाले हैं, ग्राम धर्मपुरा थाना सीसगढ़। तो इन तीनों को पुराने अपराधी हैं सर ये? हाँ, तीनों अपराधी हैं। इनका अपराधी सर ये कैसे काम करते हैं? गैंग बना काम करते हैं सर या वैसे काम करते हैं? तीन लोग थे ये और भी सर कोई टीम में है इनके? और कोई अभी अभी तक की जानकारी में और कोई प्रकाश में नहीं आया है। तीनों लोग थे, तीनों लोगों के द्वारा घटना कारित की गई थी और अब तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थैंक यू सर। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ।
नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र।